वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक बुक के बारे में, जो न्यू एडिशन आया है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा बुक होता है फॉर एसएससी एग्जाम के लिए, या कोई भी आप एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, अगर आप वोकैबुलरी में बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। अब इस बुक को पढ़ना कैसे है, बहुत ही ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि इस बुक को मैं कैसे पढ़ूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बुक को पढ़ने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। अगर आप उस अनोखे तरीकों को अपनाते हो तो आप इस बुक को खत्म ही नहीं, साथ में आपको ये वकैब सारे याद भी होते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका। अगर हाल फिलहाल में आपका एग्जाम है तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको इत्मीनान से कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। इसमें आपको तीन सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए का जो पॉइंट है उसमें मैं आपको दिखा दूँ, इसमें बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है ये बुक। आप देख सकते हैं गाइज की मैंने हाईलाइट भी कर दिया इस बुक में, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसमें जो मैंने जो है यहाँ से हाईलाइट से हाईलाइटर किया है, यहाँ आप देखिए, जैसे पहला दे रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, टॉप 200 मोस्ट रिप्यूटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क इन एसएससी। अगर आपका तुरंत एग्जाम है तो पहले आप जितने भी ये मैंने हाईलाइट किए उसको पढ़ के चले जाइए, और कैसे पढ़ना ये भी मैं बता रहा हूँ। आपको जो है पहले दिन यानी मंडे से स्टार्ट करना है, और इसको लगातार जितने भी हैं, 200 हैं, 500 हैं, जो भी है, उसमें 50-50 पहले आप बांट लीजिए। अगर बिगनर हैं तो आप पहले 50-50 पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको लगेगा कि आपको याद नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपके माइंड में जो कहीं ना कहीं ये वर्ड स्टोर होता जाएगा, आपसे फेमिलियर होता जाएगा, आप इसको वर्ड को लगातार पढ़ते जाएंगे। और इसको कैसे पढ़ना है, अगर आप पहले दिन मंडे को स्टार्ट करते हो तो इस वर्ड को 50 वर्ड पढ़िए, और सिर्फ जो है शाम को आपको क्या करना है, रिवीजन करके सो जाना है। फिर अगले दिन 50 वर्ड पढ़िए, फिर उसको भी शाम को सोते वक्त रिवीजन करिए, सो जाइए, ठीक है। ऐसे आपको 4 दिन लगेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका फ्लो बन जाए पढ़ने का, उसके बाद आप जो है इसको एक दिन में 100 या 150, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। और संडे को आपको जो है कोई नया नहीं करना है, जितने भी आप वर्ड पढ़े हैं, जैसे 200 वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है या 250 या 300, उसको आपको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है गाइस। लेकिन आपको तभी भी लगेगा कि आपको ये वर्ड्स याद नहीं हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ आप लोग, जो भी बिगनर्स होंगे उनको लग रहा होगा कि एक बार मैंने पढ़ लिया ये बुक याद है, मतलब आपको ये वकैब याद हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको अभी भी याद नहीं होंगे, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको अगले दिन क्या करना है, फिर से जो है नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना होगा, फिर आप दूसरा उठा लीजिए और इसको जो है आपको रिवीजन करना है, और पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है गाइस। एक मैं आपको एप्लीकेशन भी बता दूंगा जिससे जो है आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अब आपको लगेगा कि हाँ ये मुझे पता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो आप एक बार पढ़े रहोगे तो आपके माइंड में जो है जो स्टोर हुए रहेंगे वर्ड्स, वो आपको डायरेक्ट अपने आप जो है आप लोग का इंट्यूशन होता है वो काम करेगा, और आप जो है सही टिक कर पाओगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे याद हो रहे हैं, ठीक है गाइस। और फिर क्या करना है, नेक्स्ट संडे आते ही आपको फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेना है। संडे को आपको कोई भी नया काम नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन गाइस कीजिए और आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं कैसे याद करता था, मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस। एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने जो है इडियम फ्रेजेस से स्टार्ट किया था और इसको मैंने जो है डिज़ाइन किया, ये देखिए, ये मेरा मैं डे वन का, ये 100 क्वेश्चन मैंने रखा डे वन। वैसे ही मेरे पास डायरी भी मेंटेन है, मैं डायरी भी मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे देखिए डे वन आपको देखने को मिल जाएगा, वैसे ही मैं डे टू भी, यानी हर 100 क्वेश्चन पे जो है मैंने डे टू लिखा है, यहाँ पे आपको देखिए डे टू ऐसे मैं डिवाइड किया था, ताकि आपको भी लगे कि आपने जो है पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है, आपको एक बार रिकॉल भी रहेगा और इसको रिवीजन करिए। ये मैंने टोटल जो है 13 डेज में इसको फिनिश किया था, ठीक है गाइस। और हर संडे को मैं एक बार जो है रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि ये मेरे जितने भी वर्ड्स हैं कंठस्थ रहे, मुझे याद रहे, ठीक है। अगर आप ये रूल अपनाते हो तो मैं फाइनली कह सकता हूँ कि आपको वोकैब जो है याद हो। ये देखिए डे थ्री, मैंने इसी तरीके से सारे जो है यहाँ पे मेंटेन किए हैं गाइस, और इसको लिखा भी कीजिए। अगर आपको लगे कि कुछ याद नहीं होता, एक डेढ़ पेज आप लोग लिख जरूर लिया करिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक बार में नहीं लर्न होते हैं, तो उसको जो है आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर। ये देखिए डे फोर, ऐसे ही मैंने पूरे जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैंने 13 डेज तक का जो है पूरा बना लिया है गाइस, ठीक है। और इस तरीके अगर आप काम बांट के करते हैं तो आपको भी आसान लगता है। इस तरह अगर आप बुक खोल के पढ़ोगे तो पहले लगेगा कि कितनी बड़ी बुक है, इसको मैं कैसे पहाड़ जैसा टैकल कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस छोटे छोटे जो है आपको पॉइंट्स बताने हैं, जैसे डे वन, डे टू, डे थ्री, और इसको वैसे ही पढ़ते जाने हैं, ठीक है। और इसको भी पढ़ने का तरीका मैंने बताया कि आपको जो है मंडे से स्टार्ट करना है और फ्राइडे सैटरडे तक पढ़िए इस बुक को, ठीक है। उसके बाद से संडे को आपको जितना वोकैब्स पढ़े हैं उसको पूरा रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपको रिवीजन करना है हर हाल में, बिना रिवीजन के आपको एक भी याद नहीं होगा, और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइज। तो ये आप अगर करते हो तो ये बहुत ही अच्छे से बुक स्टार्ट हो जाएगी, याद हो जाएगी, और साथ में एक महीने में इस पूरे बुक को आप खत्म कर सकते हैं। ये फ्लो अगर आप बनाए रहोगे तो आप जो है इस बुक को भी खत्म कर पाओगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाएगा, और गाइज आप लोग का
एग्जाम जो है एमसीक्यू में आता है, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं होने हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा है, आपके ये माइंड में स्टोर होता जाएगा, जितनी बार भी इसको पढ़ोगे उतने बार ये स्टोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर 100 क्वेश्चन पे जो है मैंने डेट डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ पे डेट इन, ठीक है गाइस। तो इस तरीके आपको भी जो है क्या करने हैं, इस तरीके से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये देखिए कैमरामैन हमारे साथ जो है सुशील चौरसिया जी जुड़े हुए हैं, जो आप लोग के लिए मदद कर रहे हैं गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वैसे मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं बुक को, और ये 3 सेक्शन में डिवाइड है, ये मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अभ्यास भी करने की ज़रूरत है, पढ़ते जाइए अभ्यास करते जाइए क्वेश्चन, और वो एप्लीकेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है गाइस। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे जो है आपको इडियम फ्रेजेस का करना है, सोनेनस एंटोनियस के देखिए तो C3 में दिया है टॉप 100 मोस्ट जो है इस तरीके से आपको करना है, ठीक है गाइस। तो इसको पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद द हिंदू के भी वकैब आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड इस तरीके से जो है इसमें दिया गया है, ठीक है गाइस। तो ये रही जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर जो भी रिव्यू आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या और नया करना चाहिएगा। बाकी मैं नीतू मैम की भी बुक मंगा चुका हूँ, उसको भी जो अभी नई नई वकैब की बुक लॉन्च की है उसके बारे में भी बताऊँगा, और मैथ जो है कंसेप्ट किंग अभी गगन प्रताप सर का उनका भी आ चुका है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो ये रही जानकारी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।